हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उमेश शर्मा फ्रॉम कैट कैम्प। और ये एक मेरे पास पार्ट है और इस पार्ट की हम लोग एनएक्स कैम्प के अंदर टूल बार जनरेट करेंगे। तो ये वाला जो पार्ट है मैंने ऐसा लिया है जिसके अंदर मेरे को दो गाइड कर मिल जाएंगे और ये गाइड कर वाला ऑप्शन हमें मिलेगा। मिल कंट्रोल में आप जाइए और यहाँ से सरफेस एरिया मैंने लिया और जो ड्राइव मेथड है उसके अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पर गाइडिंग कर मिलेगा। तो ये वाला मेथड मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो अभी कैंसिल करते हैं और पहले इसका वर्क पीस जो है वो डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आएंगे और ये एक टूल बॉल मिल का पहले से ही मेरे पास है, यहाँ से जाता हूँ मैं और वर्क पीस में जाके ये मेरे पास एक पार्ट है और फिर ब्लैंक मैं डिफाइन कर चुका हूँ। ये बाउंड्री ब्लॉक मैंने लिया है और पहले मैं इसे टूल डिफाइन करके कैविटी मिल कर देता हूँ और टूल लिया मैंने 30 का और साथ में लाइब्रेरी से होल्डर को भी मैं रिसीव कर लेता हूँ, यहाँ पे रिट्राइव कर लेता हूँ, ये 6 वाला मैं लेता हूँ और ओके। और यहाँ से क्रिएट ऑपरेशन में आके कैविटी मिल लीजिएगा वापिस और यहाँ से सेम फिनिश, या आप रफ भी ले सकते हैं, रफ ले लिया। और फॉलो पार्ट ज्योमेट्री डेप्थ इफेक्ट 1 है। अभी के लिए मैं 2 लेता हूँ या 3 ले लेता हूँ। कट एरिया पूरा नहीं चाहिए, सिर्फ जो पोर्शन मेरे को कट करना है वही ले लेते हैं, तो उससे काफ़ी टाइम हमारा सेव हो जाएगा। टूल एक्सेस हमारा ठीक है, इसमें से मेरे को कुछ नहीं करना। कट लेवल भी ठीक है, ये वाला कट होना है। स्ट्रेटेजी बाकी सब कुछ ठीक लग रहा है, तो मैं जनरेट करता हूँ। थोड़ा सा टाइम लेगा जनरेट होने में और तब तक अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और इस टाइप की वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो अभी भी डेप्थ ऑफ कट जो है थोड़ी सी मुझे कम ही लग रही है, थोड़ी सी टाइम ज़्यादा ले रहा है। खैर ओके कर दीजिए और एक बार मैं सेव भी कर लेता हूँ इसे और वेरीफाई करके मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा ये आ रहा है। और प्ले, थोड़ा सा टाइम इसके अंदर भी लेगा। जब तक ये यहाँ पे सिमुलेशन को शो कर रहा है तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और मैं इसे पोज कर लेता हूँ और फिर इसके बाद जब हो जाता है फिर आपके पास आता हूँ। तो इस टाइम से ये हमारा कैविटी मिल का ऑपरेशन हो गया है जो कि रफिंग है। अब इसके बाद मैं इस पर लगाने वाला हूँ गाइडिंग करवा रहा, लेकिन एक काम करिए उससे पहले आप बॉल मिल में जाइए और बॉल मिल 30 का है, मैं 40 का लेता हूँ और होल्डर भी इसके साथ में एक अटैच कर लेता हूँ। होल्डर का बेनिफिट ये है कि जब आप मशीन को यहाँ पे सिमुलेशन के लिए ऐड करेंगे उस टाइम आपको ये थोड़ा प्रॉपरली शो होगा और मशीन पे चलता हुआ भी आपको ठीक दिखाई देगा। तो गाइडिंग कर्व के लिए आप यहाँ से सरफेस एरिया ले लीजिएगा, बॉल मिल का टूल रफिंग एरिया का फिनिश रखेंगे ओके, और यहाँ से गाइडिंग कर्व लीजिएगा। और गाइडिंग कर्व में गाइड कर्व बताइए कौन सा है, ये गाइड कर्व ये है एड, ये गाइड कर्व ये है। इसके अलावा कोई और भी है तो आप ले सकते हैं, उसके लिए मैं एक अलग से दोबारा से बनाऊँगा ट्यूटोरियल, उसमें आप चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पे स्टेप ओवर मैं 25 ले लेता हूँ और कटिंग बाय लेंस आ रहा है, कटिंग बाय रीजन आ रहा है ठीक है, तो रीजन को ही कट करेगा बाकी सब कुछ छोड़ देगा। लेकिन यहाँ पे इस चीज़ का मेरे को यूज़ है नहीं तो मैं इसको नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मेरा तो अंदर कहीं आ रहा है। फिर यहाँ पे जो कट का ऑर्डर है वो आपके 1 और 2 आपको शो भी हो रहा है प्रीव्यू में, फर्स्ट और सेकेंड दोनों आ रहे हैं। आप जो कट ऑर्डर है कैसे लेना चाहते हैं, है ना, कट की डायरेक्शन अलॉन्ग गाइड के अलॉन्ग ही रहना चाहिए ओके। और ये वाला गाइड के अलॉन्ग, जैसा आपने गाइड सेलेक्ट किया होगा अपोजिट गाइड तो गाइड के अपोजिट जाएगा। जैसा आपका सिलेक्शन हुआ एरो इधर को जा रहा है तो कटिंग भी इधर को ही जानी चाहिए, अगर आप अपोजिट करेंगे तो सिलेक्शन इधर को है और चलेगा अपोजिट आपका। फिर यहाँ पे जो है कट ऑर्डर टूवर्ड्स गाइडलाइन, तो क्या होगा, फर्स्ट गाइडलाइन मेरी ये है, सेकेंड गाइडलाइन ये है,
तो क्या करेगा ये, सेकंड से फर्स्ट की तरफ चलेगा, पहले इधर का कट करेगा बाद में उधर की तरफ को जाएगा, ये आएगा। फिर इसके अंदर क्या है कि अल्टरनेट करेगा, पहले इधर का एक काटेगा फिर एक इधर का काटेगा फिर एक इधर का काटेगा, इस टाइप से दोनों तरफ जाएगा। या अंदर से लेना चाहते हो तो फर्स्ट अंदर से स्टार्ट करता हो बाहर की तरफ जाएगा, लेकिन इसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, तो फ्रॉम गाइड 1 to 2 कर देता हूँ। तो यहाँ से स्टार्ट करता हुआ इस तरफ ही आएगा, काटता हुआ इसे ओके करते हैं। और ज्योमेट्री में जाइए, ज्योमेट्री सेलेक्ट करनी पड़ेगी हमें, कौन सा ज्योमेट्री हम कट करना चाहते हैं। टूल की डायरेक्शन जेड की ही रखेंगे, बाकी सब ठीक है। तो मैं इसे जनरेट करता हूँ, और जनरेट होने में ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, कुछ इस तरीके का हमारा टूल पाथ जनरेट हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया था, गाइड का फर्स्ट से गाइड का सेकंड की तरफ, इसे मैं ओके करता हूँ और सेव भी करते हैं एक बार, और एक बार वेरीफाई अप करता हूँ मैं इसे। और तो ये है हमारा गाइडलाइन मेथड, और इसके अंदर जो है आप ये अभी और बढ़ा सकते हैं ताकि और स्मूथ आ जाए। आप डबल क्लिक करिएगा और यहाँ से जाएंगे हम ज्योमेट्री के अंदर मेन में, और गाइड कर्व के सामने यहाँ पे है, यहाँ से 25 है, आप इसको 45-60 स्टेप और बढ़ा दीजिएगा तो ये ठीक हो जाएगा। तो होप फ्रेंड्स आपको ट्यूटोरियल प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। कोई क्वेरीज हैं आपकी तो आप कमेंट करिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई करने का। सो मिलते हैं ऐसे ही नए ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के हैव अ नाइस डे एंड कीप वॉचिंग।